हेलो बच्चों, वीडियोस चालू कर दिए हैं इंग्लिश मीडियम के और उम्मीद करता हूँ आपने शायद लास्ट वीडियो देख लिया होगा। देखिए बच्चों, अभी वापस से बोल रहा हूँ, चैनल को जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के वीडियोस भी उसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ जिस तरीके से मैंने हिंदी मीडियम के कंटिन्यू किए हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम के वीडियोस को ध्यान में रखते हुए मैं इसे CBSE पैटर्न के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो CBSE पैटर्न के ही हैं। इसलिए हाँ, इससे RBSE का पार्ट भी या अदर बोर्ड का पार्ट भी कवर हो जाता है। तो मैं अपन इसे NCERT के ऊपर रखेंगे कि NCERT के टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सकें। चलिए, कुछ एक टॉपिक जो RBSE में बहुत अच्छे हैं वो भी अपन करेंगे। ऑलराइट, देखिए, तो लास्ट जो अपन ने कंप्लीट किया था वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक, अब अपन बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और वो डेरिवेशन करने से पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डेराइव किया जाता है। तो पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेराइव्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं कि ये कैसे देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि अपन क्या कर रहे हैं। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, समझिए, मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं ए टू बी, ये क्या होता है। तो आंसर है, आपने वर्क किया ए से लेकर बी तक डिवाइडेड बाय आपने क्या किया था, क्यू नॉट किया था। ऐसा ही था, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, कोई डेरिवेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन लास्ट वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आया वो समझिए। तो आपने क्या किया, चार्ज को लेकर के गए थे आप, है ना, और चार्ज कैसे जा रहा था। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्ज को ये ए पॉइंट था यहां से उठा करके लेकर के आ रहे हैं बी पॉइंट के ऊपर, कुछ ऐसा अपन कर रहे थे, है ना, लास्ट पॉइंट में इसी तरीके का अपन ने डिस्कशन किया था। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने जब वर्क किया बच्चों, तो वर्क ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो फोर्स आप चार्ज को इस तरफ लेकर के जा रहे हो, ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल है, EXT, एक्सटर्नल फोर्स। जबकि यहां पर कौन सा, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ ई है, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है कि दोनों के डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, हाँ, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है। चलिए, तो अपन ने इसको देखा, ये डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज करो यहां से लेकर यहां तक का, अगर स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट में मानू तो इसको अपन ने एक्स मान लिया है, या कुछ भी आप आर मान लीजिए, डीआर मान लीजिए, कैसा भी। तो अगर इसे डीआर भी मान के चलते हैं, छोटे से पार्ट के लिए इसे डीआर मान लिया, तो हमने बोला कि ए से लेकर बी तक एक डी आर डिस्प्लेसमेंट था, बहुत छोटा सा पार्ट था, वो हमने कवर किया कितने फोर्स से, आंसर है एफ एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है, डॉट क्या बच्चों, डी आर, और यहां पर लगा दिया वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, क्यू नॉट। बात समझ में आ गई। अब एफ एक्सटर्नल को अगर रिप्लेस किया जाए किससे, इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फिर इसको अपन लिखेंगे माइनस का एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स डी आर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, क्यू नॉट, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नहीं होता है, पता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, इस चीज को सदैव ध्यान में रख लीजिएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अगर एक बहुत बड़े पार्ट के लिए बात करूं तो मैं VAB को और कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ए से चार्ज को कहां तक लेकर के आए, बी तक लेकर के आए, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अगर मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता कहां पर, बी पॉइंट के ऊपर, तो ए पॉइंट कहां जाना चाहिए, इनफाइनाइट पे जाना चाहिए, तो पोटेंशियल इसे क्या लिखते हैं अपन,
वी बी माइनस वी ए ऐसा ही लिखते ना, ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, समझ रहे हैं। ये यहाँ पर पोजीशन ध्यान में रखिएगा, ये पोजीशंस हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, ए और बी का डिस्टेंस देखा जाएगा सोर्स चार्ज से। फिर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बी पॉइंट के ऊपर तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट शुड बी एट इनफाइनाइट होना चाहिए, तो उस केस में वी ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो फिर वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ए की जगह तो रखेंगे इनफाइनाइट, और ये गया बी और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहां पर मैं बी पॉइंट ले रहा हूं तो यहां पे बी लिखूंगा, यहां पे मैं आर पॉइंट लिखूंगा तो यहां पर ये आर लिखा जाएगा, ये डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये पोजीशन आनी चाहिए, तो यहां पर आप बी लिख लीजिए तो यहां पर बी लिखें, यहां पर आप एक्स लिख रहे हैं तो यहां पर आप एक्स लिख लीजिए, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मेट पता चल गया होगा, क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर और उसका इंटीग्रेशन करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस है तो ए टू बी जाएगा, जबकि पोटेंशियल है तो इनफाइनाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये पॉइंट इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले इंटीग्रेशंस जो हैं या फिर आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशंस जो हैं वो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए, आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होती है यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बच्चों, वोल्ट है ना, यही तो होती है, ध्यान में रखें। चलो, जो अब टॉपिक अपन बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बहुत सारे डेरिवेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट काम यूज करेंगे पर, ठीक। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है, ये यहां पर हमने क्या माना, एक सोर्स चार्ज माना, दैट चार्ज इज क्यू, सोर्स चार्ज को क्या मान के चल रहे हैं, क्यू मान करके चल रहे हैं। फिर एक ऐसा लाइन खींच लीजिए और यहां पर दो पॉइंट मान लीजिए, आप मान करके चले यहां पर ए, इस तरफ सॉरी इसको ले लेता हूं मैं ए और इसे ले लेते हैं बी, ठीक है। फिर ये जो बी पॉइंट है ना, ये इस सोर्स चार्ज से आंसर है आर डिस्टेंस के ऊपर है, कितना डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस के ऊपर है, जबकि ये जो ए पॉइंट है इसे हमने मान लिया बच्चों एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ठीक। एक तरीका तो ये, आप अगर बुक का माने तो बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ होता है कि बी पॉइंट को तो आरपी डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे पी लगा देते हैं और ये वाले डिस्टेंस फिर वो आर ले लेते हैं, तो डेरिवेशन इजी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। चलो, अगर मैं बुक वाला कंटिन्यू करता हूं तो आप अपने नोट्स को भी आसानी से कंटिन्यू कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इस वाले पॉइंट को तो अपन ने ले लिया आर पी और यहां पर ले लिया आर, ए पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है। अब ए पॉइंट के ऊपर अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है बच्चों, इस सोर्स चार्ज के कारण अगर फील्ड लाइन आप देखोगे तो ऐसी जाएगी और ये लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, समहाउ है ना, ठीक। तो हमने बोला कि अगर यहां पर कोई चार्ज होता क्यू नॉट, ठीक, तो इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स किस तरफ लगता, आंसर है इस तरफ लगता, ये एफ इलेक्ट्रिकल की डायरेक्शन है,
और हमें इस चार्ज को ए से कहां तक डिस्प्लेस करना है, बी तक डिस्प्लेस करना है। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इस तरफ है, तो ये आप कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मान करके चलें कि ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस थी वो बहुत कम है, इसे अपन डी आर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसे डी आर, यहां से लेकर यहां तक का अपने क्या माना है, डी आर मान लिया है। ठीक, अब काम करने का तरीका देखिए, हमें बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। तो फाइनली ए पॉइंट कहाँ जाना चाहिए? इनफाइनाइट पे जाना चाहिए, यही बात है। ठीक है, तो काम करने का तरीका समझिए, किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ए पॉइंट को समझें कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है। ठीक, तो हमने लिखा ये सोर्स चार्ज ओ पॉइंट पे, मान लीजिए लेट सोर्स चार्ज इज एट ओ एंड ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों वो समझिए। तो अपन इस चीज को कुछ ऐसा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ले रखी है, आर ही ले रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, तो हमने लिखा क्या, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं यहां पर लगाता हूं वेक्टर, और यहां पर यूनिट वेक्टर आर कैप से इसे क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। और अगर आप इसे किसमें लिखना चाहें, स्केलर के अंदर मतलब मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें, स्केलर नहीं मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों से ही डेरिवेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अगर मैं इस फॉर्म से काम करने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा वो समझ लीजिए, या इससे करेंगे तो भी क्या होगा, आना एक ही है। फिर अपन को क्या करना है, तो हमने लिखा इफ चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इफ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, और कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो समझिए। तो हमने लिखा वी ए बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक, ए से कहां पर आए, बी तक आए हम। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा ही होगा। चलिए, फिर इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो ई डी आर कोस थीटा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। ई डी आर कोस थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, जीरो रखने वाले, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने कौन सा लिया है वो समझिए। आप एफ एक्सटर्नल की बात कर रहे हो, माइनस साइन तो पहले ही लगा चुके हो ना, ठीक है, तो माइनस साइन एफ एक्सटर्नल को पहले ही शो कर चुका है, और अब एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, इस कारण फिर यहां पर कोस जीरो आएगा, 0 डिग्री आएगा, ये बात ध्यान रखना। आपको ये जो एंगल देखना है वो किससे देखना है, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से देखना है, और एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए फिर 0 डिग्री आएगा। ठीक, तो अगर 0 डिग्री है तो फिर इसे क्या लिख सकते हैं, ए टू बी ई डी आर, बताओ भाई लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं ईडीआर, तो मैंने अब इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में डाल दिया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में डाल दिया, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वी ए बी हो गया, डन। अब हमें तो बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमने लिखा यहां पे लिख दीजिएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, वाई, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट
कैलकुलेट पोटेंशियल एट बी पॉइंट ए शुड बी एट वेयर इनफाइनाइट। सो अब समझिए, तो अब डायरेक्ट लिख दूं क्या? हर बार मैं ये तो समझाता हुआ आया हूं, तो अब डेरिवेशन का ऐसा कर देते हैं, फर्स्ट इधर कर देंगे, बचा हुआ इधर कर देंगे। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ए, ए तो क्या इधर, और बी, बी देखो कितना डिस्टेंस पर है, आरपी डिस्टेंस पर है, तो आपने बी के लिए सोर्स चार्ज से डिस्टेंस लिखी। फिर ई डी आर, डन हो गया क्या? अगर ये बी पॉइंट ही आर डिस्टेंस पे होता तो फिर मैं यहां पर आर लिखता, ये बात ध्यान रखना। अगर ये बी पॉइंट इस सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर होता तो फिर हम यहां पर एक्स लिखते, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर ई की वैल्यू अपन ने रख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इसे बना दीजिएगा, तो इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर पी, और ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, डी आर आएगा। फिर के क्यू को क्या करें आप, बाहर निकाल लीजिए, तो के क्यू बाहर हो गया, नेगेटिव साइन भी बाहर हो गया, इनफाइनाइट टू आर पी, फिर वन अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर आएगा क्या बच्चों, डी आर। ठीक, अब देखो ये चीज कैसे आएगी, तो अपन ने लिख लेना है वी बी इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इसके लिए ये जो आर स्क्वायर है इसे ऊपर लेकर के आए, तो आर की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू, और ये आर की पावर कितना, माइनस टू, और यहां पर आएगा डी आर, और ये हो गया इनफाइनाइट टू व्हाट, आर पी। अब इंटीग्रेशन में देखो एक्स टू द पावर एन डी एक्स, अरे ऐसा कभी ये इंटीग्रेशन किया था क्या, एक्स की पावर एन डी एक्स, क्या करते हो, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी करते हैं, और जब फाइनाइट इंटीग्रेशन हो तो सी नहीं आता, लिमिट लग जाती, अरे यही तो होता है। चलिए, तो फिर वहां पर देखो एक्स की जगह तो आ रहा है आर, और एन की जगह आ रहा है माइनस टू, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का के क्यू, फिर आर की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर पी, ऐसा ही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू, अब ये पावर देखो आर की पावर माइनस वन, और यहां पर भी माइनस वन आएगा, नहीं आएगा, कहां से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट टू आर पी। अब ये थोड़ा सा समझिए, माइनस वन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा, तो चलो इसको और इसको हटा देंगे नेक्स्ट टर्म के अंदर, तो ये चीज आप उतार लीजिएगा, नेक्स्ट टर्म में देखता हूं, हो गया ये। चलिए तो नेक्स्ट यहां से चालू कर लेते हैं, तो इसे कुछ ऐसा लिखा जाता, पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी बी इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, के क्यू पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि माइनस वन अपन ने सॉल्व कर लिया है, ठीक, ये आर की पावर माइनस वन, और यहां पर इनफाइनाइट टू आर पी, अभी पावर माइनस वन है ना, नीचे की ओर लेकर क्या होगी, तो प्लस वन हो जाएगा, तो वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू वन अपॉन आर हो जाएगा क्या बच्चों, वन को लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे पावर को, है ना, फिर ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर पी। अब क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू, फिर समझिए अपर लिमिट मतलब आर की जगह आर पी रखोगे आप, है ना, तो वन अपॉन आर पी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो आर पी की जगह इनफाइनाइट, ठीक है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वन अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा जीरो, तो यहां पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर पी। ठीक है, आप के को चेंज कर सकते हो क्या भाई, फॉर वैक्यूम इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डिवाइडेड बाय आर पी, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एट बी पॉइंट। तो किसी भी सोर्स चार्ज के कारण, यहाँ पे क्यों है सोर्स चार्ज,
सोर्स चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किस तरीके से पोटेंशियल निकाला जाता है, तो आप सोर्स चार्ज लिखेंगे यहाँ पर, और जो डिस्टेंस है वो सोर्स चार्ज से मेजर की जाएगी। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस आरपी थी इसलिए फॉर्मूले में आरपी आया, अगर डिस्टेंस क्या होती आर होती तो फिर फॉर्मूले में क्या आता आर आता। तो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है पोटेंशियल की, तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, पोटेंशियल की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, या फिर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं के, तो या के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये ध्यान में रखिए दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, है ना। इसी तरीके से हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं, बात समझ में आ गई क्या। आप देखेंगे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसा ही है क्या। तो अगर पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, किस किस के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो ग्राफ कैसा जाएगा, वी वर्सेस आर ग्राफ कैसा होगा भाई, सभी को पता है कुछ इसी तरीके का जाता है, यूनिवर्स का ग्राफ तो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना, हाइपरबोलिक जाता है। चलिए तो इस तरीके से आपको ये कर्व बनाना पड़ेगा। अब अगर समझना, मैं यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और वी दोनों को इंडिकेट कर रहा हूं और x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, आप सभी को पता है, समझा, आप सभी को पता है कि पोटेंशियल तो होता है पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है, यही चीज होती है ना। चलिए तो ग्राफ बनाया जाए दोनों का, कैसे, कुछ इस तरीके से, एक ग्राफ ऐसा जा रहा है और एक ग्राफ कुछ ऐसा, दैट इज ग्राफ नंबर वन एंड दैट इज ग्राफ नंबर टू। बताओ भाई कौन सा कर्व जो है वो पोटेंशियल का है और कौन सा कर्व जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, आपको बताना है। देखो ये कैसे पता चलेगा, ये इस तरीके से पता चलेगा कि जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से ये डिक्रीज होना चाहिए, आर स्क्वायर का डिवाइड लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डिक्रीज फास्टली और वेरी फास्ट, सॉरी फास्टली तो कुछ होता ही नहीं है, वेरी फास्ट, है ना, एंड द पोटेंशियल विल डिक्रीज कंपैरेटिवली लेसर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आर का ही डिवाइड जा रहा है के क्यू में और यहाँ पे के क्यू में आर स्क्वायर का डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का डिवाइड जाने के कारण ये बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज होना चाहिए, दिख रहा है ये। So the graph second is for electric field and graph first for potential. क्यों? ये कम decrease हो रहा है किसके comparison में? Electric field के comparison में. ठीक है ये बात? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ये बहुत अच्छा point है. ठीक? इसके बाद में एक और question है कि अगर किसी source charge के चारों तरफ क्या हो? Medium हो. क्या होना चाहिए उसके चारों तरफ? मीडियम होना चाहिए. तो पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर वी कांट से, ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. इन चार ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है कि इफ सोर्स चार्ज इज प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर देन द पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज विल बी डिक्रीज इंक्रीज नो चेंज और कांट से, ठीक है. तो आप ये समझिए कि और मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर है. अब देखो तो हमने लिखा पोटेंशियल इन वैक्यूम वी नॉट लिख देते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय आर होता है, K की जगह वैक्यूम में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q डिवाइडेड बाय व्हाट R, फिर अगर मैं यही चीज मीडियम में बात करूं तो मीडियम में क्या होगा?
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में कौन आएगा, एप्सिलॉन आ रहेगा, और क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, फिर आप ये गौर करेंगे, ये चीज तो सारी एक जैसी है, सिर्फ एक इस चीज का डिवाइड लग रहा है, इसका मतलब वैक्यूम में जो पोटेंशियल था उसमें किसका डिवाइड लगेगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। बताओ भाई, डिवाइड लग रहा है ना। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 2 3 4 5 6, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। तो जैसे ही आप मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, या फिर वैक्यूम में अपन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। मीडियम में कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू डिवाइडेड बाय आर। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, आगे आने वाले सारे पॉइंट इन्हीं पर है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्हें वीडियो अच्छे लग रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और लाइक करो, हो सके तो शेयर करो। ठीक है, और मैंने जो लास्ट टाइम बात की थी, मुझे खुशी है आपने इसे पॉजिटिव वे में ही लिया है। एक आध जनों के मेरे को रिप्लाई आए, वो मेरे को खुशी देते हैं कि हाँ बच्चे समझते हैं कि क्या लिमिटेशन हो सकती है एक टीचर की। ठीक है, ओके, ऑल राइट, तो हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।